हाय गाइस, दिस इज जॉन चाकी और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ड्राई स्किन के बारे में और ऑयली स्किन के बारे में। जैसा कि सबको पता है कि अब जो है वेदर चेंज हो रहा है, सर्दियां आ रही हैं। सर्दियों में बहुत सारे लोगों के लिए मसला होता है। जिन लोगों की ऑयली स्किन है वो तो सर्दियों में बहुत सही रहने वाले हैं, बट इसके लिए भी मैं आपको बताने वाला हूँ कि ऑयली स्किन जिनकी है वो क्या करेंगे और जिनकी ड्राई स्किन है वो क्या करेंगे। क्योंकि आपको जब सर्दियां आती हैं, आप जब फेस वॉश करते हैं सुबह, आप देखेंगे बहुत सारे लोगों के यहाँ पे व्हाइट व्हाइट जो है वो धब्बे बने होते हैं। बट जिन लोगों की ऑयली स्किन होती है वो सर्दियों में सेफ रहते हैं, गर्मियों में उनके लिए मुश्किल होती है। तो मैं सबसे पहले बात करता हूँ ऑयली स्किन के लिए। सर्दियों में अगर आपकी ऑयली स्किन है आप वैसे ही सेफ रहेंगे, आपको इतना ज्यादा फेस पे जो है ऑयल नहीं आएगा, क्योंकि सर्दी की वजह से जो है आपकी जो स्किन है वो उतना ही ऑयल जो है वो लाइक निकालेगी जितना कि आपकी स्किन के लिए अच्छा है, या आपकी स्किन जो है वो एक नॉर्मल और फ्रेश रहेगी। बट फिर भी आपने क्या करना है, एवरी 3 to 4 आवर एक अच्छे फेस वॉश से, किसी भी ब्रांडेड फेस वॉश से आप जो है अपना फेस वॉश कर सकते हैं, ताकि जो है जब ऑयली स्किन होती है तो धूल जो है वो फेस पे जम जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है आपके जो क्या कहते हैं पिंपल हो सकते हैं, आपका फेस खराब हो सकता है। इसलिए एवरी 3 आवर आप कहीं पे भी हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, बस में हैं, गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, कहीं पे भी जाएं, आपने एवरी 3 आवर अपना फेस जो है या 4 आवर अपना फेस जो है वॉश करना है वक्फे वक्फे से। ये बात जरूर याद रखिए जिन लोगों की ऑयली स्किन है। अब जिन लोगों की है ड्राई स्किन, वो तो सर्दियों में उनको बहुत बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि एवरी टाइम उन्हें कुछ ना कुछ लोशन यूज करना पड़ता है। लाइक जब भी वो बाथ लेके आते हैं, स्पेशली याद रखिए बाथ लेके आने के बाद जो है लोगों को ऐसा फील होता है कि यहाँ पे ऐसे वाइट हो गया, यहाँ पे वाइट हो गया, या यहाँ पे वाइट हो गया, या आपको फील होगा कि यार और पूरी स्किन, लाइक कुछ लोगों की तो ऐसा होता है कि पूरी स्किन वाइट हो रही होती है। तो पूरी स्किन के लिए तो आपने बॉडी लोशन मिलते हैं, कोई भी शॉप पे चल जाए वहां से आप कोई भी बॉडी लोशन यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे बात करता हूँ फेस की, और जो है होम रेमेडी बताने वाला हूँ, लाइक आपको घरेलू नुस्खा जिसे कहते हैं वो बताने वाला हूँ। आपने क्या करना है, रात को सोने से पहले शहद ले लेना है, शहद को अपने अच्छे से जो फेस पे लेप कर देना है रात को सोने से पहले, आधा घंटा, 15 मिनट से आधा घंटा तो जो है वो आपने अपने फेस पे लगे रहने देना है, और फिर सोने से पहले आपने अपना फेस जो है वो वॉश कर लेना है ठंडे पानी के साथ। आपको फील होगा कि जब आप सुबह उठोगे और आप देखोगे आपका फेस जो है एकदम फ्रेश होगा और एकदम बेबी की तरह होगा। और दूसरा, जिन लोगों की यहाँ पे छाई है वो अपनी डाइट में मल्टीविटामिन जरूर यूज करें। वुमेन के लिए मैं खास तौर पे बता रहा हूँ, मल्टीविटामिन जो है ऑप्टी वुमेन का आता है, एक मल्टीविटामिन ऑप्टी वुमेन, याद रखिए ऑप्टी वुमेन एक ब्रांड का नाम है। इसके अलावा जो है वो मल्टीविटामिन है, वो वुमेन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और बहुत ज्यादा अच्छा है। आपकी जो यहाँ पे क्या कहते हैं छाइयां जो पड़ जाती हैं वो खत्म हो जाएंगी। इसके साथ आप अगर आपकी ब्लैक स्पॉट है यहाँ पे, या यहाँ पे बहुत सारे लोगों को या कहीं पिंपल हुआ है और एक बड़ा सा ब्लैक स्पॉट बन गया है, या इसके अलावा आपको कहीं पे छाइयां बन गई है, तो आप पोटैटो को काटें रात को, पहले पोटैटो को रब करें, जब आप ये क्या कहते हैं शहद लगा के छोड़ दें आधे घंटे के बाद, उसको वॉश कर लें, उसके बाद आप पोटैटो लगा दें और सुबह उठ के धो लें। और जो भाई हैं लाइक मर्द हजरात भी ये यूज कर सकते हैं। इसके अलावा एक और टिप और फाइनल टिप देने वाला हूँ, लाइक अगर आपके अंडर आर्म बहुत ज्यादा ब्लैक हैं, या वुमेन का प्राइवेट एरिया या मेंस का प्राइवेट एरिया बहुत ज्यादा ब्लैक है, तो आप वहां पे पोटैटो को अच्छे से रब करके छोड़ सकते हैं, और वहां पे प्राइवेट एरिया में आधे घंटे के बाद धो सकते हैं उसको, सारी रात छोड़ना नहीं है आपने, ठीक है, लाइक अंडर आर्म या प्राइवेट एरिया, उसको आपने क्या करना है, आपने 30 मिनट के बाद जो है वो उस जगह को धो लेना है, बट फेस पे आप लगा रहने दीजिए, गर्दन पे कहीं दाग है, यहाँ पे कहीं दाग है और बाजू पे कहीं दाग है, पोटैटो रब करके छोड़ दीजिए। लाइक आप देखेंगे कि आपको 1 महीना या 45 डेज में ही रिजल्ट मिल गए हैं। और प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताइए अगर आपको रिजल्ट मिल रहे हैं और जो मेरी बातें हैं आपको अच्छी लगी हैं, या और किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, जॉन शाकी 1JOHNSHAQI 1 मेरा इंस्टाग्राम है। थैंक यू सो मच, आप लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं।